Four people have died in Uttarakhand in a forest fire. This fire has spread across 11, uh, 1144 hectares of uh, forest land. The fire uh, has been reported in most areas of Garhwal and Kumar region. Now, over 350 cases have been registered with the forest department, and uh, NDTV brings you this report uh, and reports from uh, the ground zero on uh, the ongoing forest fire. Take a look. उत्तराखंड के जंगलों में जो आग लग रही है उसका सबसे बड़ा कारण चीड़ के पेड़ है और चीड़ के पेड़ चूंकि जो उसका एक द्रव्य निकलता है लीसा कहते हैं उसको और लीसा पूरी तरह से जैसे पेट्रोल पेट्रोल होता है पेट्रोल में एक माचिस अगर तिल्ली भी झाड़ दिया जाए तो कितनी आग लगती है भयानक वैसे ही चीड़ का जो लीसा होता है उसमें आग लगती है उसके साथ चीड़ की जो पथियां होती है उसे पिरुल कहा जाता है और पिरुल इतनी खतरनाक होती है एक तो जंगलों में अगर ज्यादा गिर जाए तो चलना मुश्किल होता है और दूसरा इतनी सूखी हो जाती है कि इसमें आग बहुत तेजी से बढ़ती है ये जो ठीक पीछे मेरे अभी जो आग लग रही है ये उसी पिरुल में लग रही है जिसे चीड़ आ, के पत्तियां कहा जाता है और ये बहुत खतरनाक होती है और आग बहुत तेजी से पकड़ती है इसके साथ ही एक इसका फल होता है आ, जो अक्सर लोग आ, देखते हैं सजाने के लिए ले जाते हैं लेकिन आ, ये जो फल है ये इसमें आग लगती है और ये आ, पहाड़ों से नीचे पत्थर के जैसे गिरता है और जहां जहां ये गिरता है वहां ये आग लगती जाती है तो ये बेहद खतरनाक है और अक्सर लोग चारे के लिए शरारतों से या फिर कि अगर ये से जला दिया जाए तो अच्छी घास आएगी बरसातों में और उसके लिए भी आग लगाते हैं और एक और खास बात यह है कि जो कंट्रोल फायर होती है जिसे अक्सर जो खतपतवार को जलाने के लिए लगाई जाती है वो भी भड़क होती है और खेतों में अक्सर लोग इसको अपने खेतों के जो सफाई करते हैं जलाते हैं उसकी चिंगारियाँ उड़ के आ जाती है तो इस वक्त ये जो आग है ये इसी तरह से बहुत तेजी से फैल रही है एक तो हवा ऊपर से ड्राइनेस बहुत ज़्यादा है और बारिश नहीं होने की वजह से पूरा इलाका सूखा पड़ा और गर्मी का ताप्मा, जो तापमान है वो काफ़ी बढ़ता जा रहा है तो यही वजह है कि जो जंग उत्तराखंड के जंगलों में जो आग लग रही है सबसे ज़्यादा जो एरिया है फॉरेस्ट का वो चीड़ वाला है जहां पर चीड़ के जो ज़्यादा जंगल है और यहाँ पर जबरदस्त आग लगी हुई है और आग जो लग चुकी है उससे काफ़ी नुकसान भी हो चुका है आ, कई लाखों का नुकसान हो चुका है कई हेक्टर जल चुके हैं और अब ऐसे में इसको युद्ध स्तर पर आग बुझाने का काम चल रहा है लेकिन आग जिस तरीके से बढ़ रही है वो साफ इशारा करती है कि अगर जल्द बारिश नहीं हुई तो ये आग और विकराल रूप धारण कर सकती है